आप ट्रेन थोड़ा रोक सकते हो तो पानी। ये हमारे पावर की बाहर की बात है, ट्रेन रोकना हमारे बस की बात थोड़ी है। कंट्रोल नंबर कुछ नंबर नहीं, उससे नहीं होगा ना। हम लोग फौजी आदमी है, 10-5 किलोमीटर दौड़ सकता है। मुझे दूसरी साइड से घूम के आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों, फिलहाल हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और पटना में जो भाई एक अलग ही पनीर की सब्जी है जिसमें की है मसाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे ब्लॉग के पार्ट टू में। इससे पिछले वाले पार्ट में देखा वो आप सभी के, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आनंद विहार से लेकर खगड़िया जंक्शन तक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ है कि एक सामने वाले कोच में इंडियन आर्मी का पूरा क्रू जा रहा है, तो उन लोग है 3 मेंबर जो है पिछले स्टेशन पर छूट गए हैं। अभी हमारा ट्रेन जो है थोड़ी देर पहले ही खुला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, तो वहाँ पे जो है उनके 3 मेंबर छूट गए हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने पूरा ट्रेन को जो है रोक दिया है और बोल रहे हैं कि जब तक हमारा वो 3 मेंबर मिलेंगे नहीं, हम ट्रेन को यहाँ से खुलने नहीं देंगे। जैसे तो कि ट्रेन रुका हुआ है, करीब जो है आधा घंटा हो चुका है। आप सभी को बता दूँ कि ये ट्रेन हमारा ऑलरेडी 16 घंटे लेट चल रहा है। अभी मैं ट्रेन में हूँ लेकिन अभी मुझे खगड़िया पहुँच जाना चाहिए था, तो 16 घंटे ट्रेन हमारा लेट चल रहा है समय से। और उनके जो अभी 3 मेंबर जो है खो चुके हैं, देखते हैं वो कब तक मिलते हैं, उसके बाद जो हमारा ट्रेन खुलेगा। सर हमारे पावर की बाहर की बात है, ट्रेन रोकना हमारे बस की बात थोड़ी है। कंट्रोल नंबर कुछ नंबर नहीं, उससे नहीं होगा ना। चैन पुलिंग नंबर कुछ नंबर, चैन पुलिंग कीजिए, फिर आएगा सब सिपाही आएगा। रास्ता वो नहीं है, एक आदमी की वजह से सारा गाड़ी डिस्टर्ब नहीं होगा, एक तो गाड़ी ऐसे ही लेट है। कैसे ढूंढे आप ये, मैं हम लोग परेशान हैं, 3 आदमी कम से कम 20 आदमी परेशान उसके पीछे उसके पीछे। हाँ ये मोबाइल है और चार्जर मेरे पास है उसका, सीट पे छोड़ के चला गया वो। इसे पता लगाइएगा, अगर रेलवे का ड्राइवर का नंबर है तो 5-10 मिनट ब्रेक करके, हम लोग फौजी आदमी है, 10-5 किलोमीटर दौड़ सकता है उसको 5 मिनट। अभी देखिए ये बिल्कुल सुनसान जगह है जहाँ पे हमारा ट्रेन रुका हुआ है, पूरा खाली खाली है, आगे से पीछे तक कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है हमारा ट्रेन अभी आके रुक चुका है। अभी जो आप सभी को वीडियो का एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें कि जो है वो आर्मी आए थे टीटी के पास बोलने के लिए कि हमारा एक मेंबर जो है पीछे छूट चुका है, तो फिर उनके लिए आप ट्रेन को रोक दीजिए। तो टीटी ने साफ मना कर दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं होती है, हम ट्रेन को नहीं रोक सकते। लेकिन फिर उन्होंने जो है आगे जाकर 2-3 पुलिस से कॉन्टेक्ट किया और फिर जो है इंजन के पास जो है वहाँ पर कॉन्टेक्ट किया, और फिर जो उन्होंने चेन पुलिंग करके ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा कर जो है रुकवा दिया है। अभी देखते हैं यार ट्रेन कब तक खुलता है। दोस्तों उनका मेंबर तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन किसी तरह जो है अभी ट्रेन को करीब 1 घंटा के बाद जो है खोल दिया गया है। वो लोग जो है पूरा इंजन में जाके बैठे हुए हैं आर्मी लोग जो है, वो सब बोल रहे हैं कि जब तक हमारा मेंबर मिलेगा नहीं, हम ट्रेन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। यार क्या हो रहा है आज, तब तक मैं भी जाके अपने सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, क्या करूँगा यहाँ पे खड़े खड़े। और वैसे भी अब शाम होने वाला है और जो अब है थोड़ी देर बाद हमारा मतलब पटना पहुँचने का टाइम है, लेकिन उसमें भी जो है अब डिले हो चुका है। अब भाई देखते हैं कि कब तक घर पहुँचेंगे। घर तो फिलहाल कल ही पहुँचूँगा और मैं कल सुबह से निकल रखा हूँ, करीब 48 आवर्स का जर्नी हो जाएगा भाई ये दिल्ली से बिहार तक का। कैश खत्म हो गया ना, इसीलिए पेमेंट ऑनलाइन करता हूँ सर। अभी तो ये जो अभी आ चुका है इस ट्रेन का फिलहाल लंच, आप सभी को दिखाता हूँ मैं कि लंच में क्या क्या दिया है। रात को तो दिखाया था, रात में क्या क्या दिया था, तब दिखाता हूँ कि लंच में क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन का लंच।
ये दिया गया है छोला दाल, और ये पता नहीं भाई जो भी है मुझे पसंद नहीं है पक्का। ये मैं वही सोच रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, ये पसंद नहीं मेरे को बिल्कुल भी। इसमें जो है काफ़ी सारी सब्जी दी गई है, और ये चावल दिया गया है, और ये एक अचार। भाई सबसे खास बात ये है कि रोटी और चावल जो है बिल्कुल गर्म है, और दाल भी, मतलब सब कुछ खाना जो है अभी तुरंत बना है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि बिल्कुल जो है गर्म गर्म खाना अभी मिल रहा है लंच के टाइम पे। रात में जो है रोटी दी गई थी थोड़ी सी ठंडी थी, और मतलब सब खाना तो थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन अभी जो है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश खाना मिल रहा है। तो आइए अब जो है इसे फिनिश करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अभी जो हमारी ट्रेन इतना लेट हो गया कि अभी जो मुझे रात के लिए भी खाना ऑर्डर करना पड़ चुका है। तो अभी से मैं जब से ट्रेन में चढ़ा हूँ दो बार तो खाना खा चुका हूँ। एक बार खाया था कल रात में, और एक बार आज दिन में 120 की थाली खाई थी दो बार। और अब जो है अभी मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया है कि वेलकम टू जियो बिहार, यानी कि जियो की सिम है मेरे पास और मैं बिहार में एंट्री कर चुका हूँ। अभी आने वाला है बस बक्सर, तो भाई बिहार में एंट्री कर चुका हूँ। मतलब भाई भरोसा नहीं था कि कब घर पहुँचूँगा, अब देखते हैं कल सुबह तक ही शायद पहुँच पाऊँगा। और अब जो है 120 की थाली पर फिर से ऑर्डर करा है, अभी देखते हैं वो कब तक आता है। अभी बस शाम होने वाला है। ट्रेन में ट्रैवल करने का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को ही लग रहा है कि ठंड जो है ज़्यादा नहीं लग रहा है, देखते हैं। ये देखिए तो भाई यहाँ पर ले लिया है एक कप चाय। अगर आपको भी चाय प्यारा है तो कमेंट में बताइए, मुझे तो इसकी आदत है। अभी जो फिलहाल हमारा ट्रेन पहुँच चुका है बक्सर, पहुँचे तुरंत है 5-10 मिनट में। स्टेशन छोटा है इसलिए हमारा ट्रेन जो पूरा देखिए प्लेटफॉर्म के लास्ट में आके रुका हुआ है। तो इस सब जो है बज रहे हैं शाम के 6:30, और हमारा ट्रेन पहुँचने वाला है आरा, उसके बाद जो है दानापुर, फिर पाटलिपुत्र। फिर जो है दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ फिलहाल सोने के लिए, 2-3 घंटे सो जाता हूँ क्योंकि खगड़िया पहुँचने में ट्रेन बहुत टाइम लगाने वाला है, करीब रात के 12:30। इसीलिए अगर मैं पहले से सो लूँगा तो फिर रात भर जागना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र जो है अभी काफ़ी लंबा बाकी है। पहले खगड़िया, उसके बाद सहरसा, फिर सुपौल। सुपौल में मेरा गाँव है, वही जाना है, तो टाइम तो काफ़ी लगने वाला है। इसीलिए मैं अभी सो लेता हूँ जिससे कि रात भर जगह जागना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा देर सो लेते हैं, और मैंने जो है खाना तो ऑर्डर कर ही दिया है, खाना आ जाएगा 9:30 बजे तक। फिर उसके बाद खाना भी ट्रेन में खा लूँगा, उसके बाद जो है यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई इस ट्रेन ने तो हालत ख़राब कर दी है सही में। दोस्तों फ़िलहाल हम एंटर कर रहे हैं अभी पटना में, यानी कि अभी आने वाला है पाटलिपुत्र जंक्शन। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और पटना में जो भाई एक अलग ही ठंड का महसूस हो रहा है। पटना में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस बार, दिल्ली से ज़्यादा ठंड पड़ रही है पटना भाई। कभी कभी जो टेम्परेचर यहाँ का 7 डिग्री पहुंच जाता है, 8 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है यहाँ पे। यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो है 10 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद जो है हॉल्ट है सीधा बरौनी, जो कि खगड़िया से काफ़ी पास है। और आज जो है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 3rd AC कोच में, और मेरा ये कोच का नंबर है B4। और भाई 3rd AC में ट्रैवल करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ठंड का ज़्यादा महसूस नहीं होता है, बाकी स्लीपर में भाई हालत ख़राब हो जाती है ठंड के टाइम पे। तो दोस्तों ये रहा मेरा आ चुका है अभी का खाना। अभी जब मैंने रात के खाने में रोटी को जो है वो डबल करा लिया था, क्योंकि अभी जो है ये खाऊंगा, उसके बाद पता नहीं कब खाऊंगा, ट्रेन काफ़ी लेट चल रहा है, इसीलिए जो है यही खा के जो है पूरी रात अब जागना है।
अब आइए इसको खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अभी खाने में क्या क्या है। ये सब है रात के खाने में, रोटी के सत्तू, रोटी जो ठंडी है, और ये पनीर की सब्जी है जिसमें है मसाले और तेल पूरा है भरा हुआ है। मटर पनीर है, कुछ कुछ पनीर है, लेकिन मसाला भाई तेल दो पूरा साइड भर रखा है। और ये है दाल, है दाल अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और चावल, और ये एक अचार का पैकेट किया गया है, और यहाँ जो एक सब्जी है सोयाबीन है, इसमें मटर है, आलू है, काफ़ी कुछ है, मतलब मिक्स सोया गया। आइए इसको खाते हैं। तो दोस्तों अभी जब फिलहाल बजने वाले हैं रात के 10, और मैंने जो है खाना वगैरह खा लिया है। अगर मैं बात करूँ खाने के बारे में तो खाना उतना अच्छा नहीं लगा, रोटी वगैरह ठंडा था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बासी बासी लगा थे खा के। तो अभी जो हमारा ट्रेन बरौनी आने वाला है, और उसके बाद जो है करीब 11:30 बजे जो है हमें हमारा ट्रेन पहुँचा देगा खगड़िया। हालत ख़राब हो गई भाई खगड़िया के लिए, मतलब इसका खगड़िया पहुँचाने का टाइम था अभी मतलब 1 बजे, और हमारा ट्रेन में करीब 24 घंटे डिले चल रहा है। समझ सकते आप लोग कितना परेशान किया इस ट्रेन ने हमें, और भी मैं बस 10-20 मिनट आराम करके अपना सामान वगैरह पैक करने लगूँगा, जो सब भी बाहर निकाल रखा है उसको अंदर डाल लूँगा, फिर अपना खगड़िया पे उतरेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है, कैसे जाएंगे आगे। अभी जो दोस्तों खाना हो चुका है, अभी खाने के बाद थोड़ा मीठा खाते हैं। ये गुड़पट्टी है जो कि मैं दिल्ली से ही लाया था अपने साथ में, थोड़ा सा बच गया है तो थोड़ा सा खा लेते हैं अभी। और यहाँ देखिए इस झोले में बहुत कुछ लाया था, बिस्किट वगैरह है थोड़े से जो कि खाऊंगा सुबह में। तो दोस्तों अभी बजने वाले हैं रात के 11:30, और बरौनी से हमारा ट्रेन खुल चुका है, और अब बस आने वाला है खगड़िया। देख सकते हो सामान वगैरह सब पैक कर लिया है, और मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अभी जो हमारा ट्रेन बस पहुँचने वाला है खगड़िया, बस मैं सामान लेके अपना जो है बेस सामान डाल दिया लेके बस आ गया हूँ गेट के पास। और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, स्टेशन से जो है जस्ट थोड़ा सा पहले ट्रेन को रोक दिया है, आगे में स्टेशन है लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेन को रोक दिया है, अभी देखते हैं कब खुलता है। ये मेरा कोच था 3rd AC, इसके जस्ट साइड में जो है यहाँ पर पेंट्री कोच है। बस देखिए ट्रेन खुला है अभी, चालू होगा भाई ठंड लगना खगड़िया से, क्योंकि अभी तो मैं था 3rd AC में, 3rd AC में तो ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब लगेगा ठंड। अभी स्टेशन पर रहना है और उसके बाद आगे जाना है। ये देखिए पहुंच चुके हम खगड़िया, ये वाली ट्रेन जो है सामने लगी हुई थी, इसीलिए हमारी ट्रेन को जो है था पहले रोक दिया था, लेकिन अब ये ट्रेन भी क्रॉस कर रही है और हमारी ट्रेन भी निकल रही है। मुझे दूसरी साइड से घूम के आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है उस साइड में गेट के आगे सोए हुए थे भैया, तो गेट खुल नहीं पाता। यहाँ से करूँगा एक्सिट, पुलिस अंकल खड़े हैं भाई। फिलहाल जो है भाई बच गए हैं रात के करीब 12, और मैं यहाँ पर फिलहाल उतर चुका हूँ खगड़िया जंक्शन पर। काफ़ी ज़्यादा जो है ठंड यहाँ लगने लगी है, और ये देखिए ये हमारी ट्रेन थी कामाख्या से लेकर आनंद विहार के बीच चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। चलता हूँ प्लेटफॉर्म पर रेलवे शेड के नीचे, मैं था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जहाँ हमारी ट्रेन आई है, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है थोड़ा सा सुनसान जैसा है, वहाँ पर थोड़े कम यात्री है, लेकिन 1 पे जो है काफ़ी सारे लोग हैं, तो वहाँ थोड़ा सेफ फील होता है। ठंड बहुत है यार। अभी जो है यहाँ आने वाली है जनहित एक्सप्रेस, और जो मेरा ट्रेन है वो आने वाला है 1 बजे के करीब, तो अभी जो है 12:30 बज रहे हैं रात के।
तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मैंने सोचा था कि इतना लंबा जो है ये वीडियो हो जाने वाला है। अब जो है मुझे जाना है खगड़िया से मेरे घर सुपौल, तो बाकी का जर्नी का पार्ट आपको देखने मिलेगा अगली वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखते रहिए आप सभी, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी को अगला पार्ट का नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि इतना पार्ट क्यों बना दिया, तो देखो मेरे गांव में जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिस वजह से जो है काफ़ी बड़ा वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाता है। अभी जो मैंने देखा कि टोटल वीडियो जो है 40 मिनट तक का बन रहा है, तो वो तो अपलोड हो नहीं पाएगा, इसलिए जो है 3 पार्ट बना दिए, 1 GB 1 GB के सारे पार्ट बनने वाले हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगला पार्ट देखने के लिए। ओके बाय, टेक केयर।